गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं श्रेष्ठ। वेलकम बैक टू अवर चैनल। ब्लॉग स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज है कोई आने वाला, वो है कौन, वो आपको बस चलेगा आगे के ब्लॉग में। तो प्लीज ब्लॉग को पूरा देखिएगा। चलो स्टार्ट करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं जा रहा हूँ दूध लेने। और रिजन भैया, क्या हाल चाल आपके? बढ़िया है, ठीक है। रंगीन मौसम हो रहा है आज, धूप निकल रही है आज तो, ठंड भी नहीं आज बिल्कुल भी। दो किलो दूध दे दो। कौन सा? टोन चाहिए। टोन? हाँ टोन, अमूल जो लेता था। दूध निकाल ली बेटा, दो किलो। और एक सूजी का पैकेट दे दो। एक सूजी का पैकेट बस। दो किलो दूध? दो किलो दूध, हाँ दो किलो। और एक सूजी का पैकेट? और एक सूजी का पैकेट बस। दे दो सूजी का पैकेट, दे दे। क्या बस, अभी तो इतना ही देता अभी तो। और एक पन्नी दे दो। और कुछ? बस इतना दे दो। कितने हो गए भैया? 124। एक मिनट देता हूँ। ये देखो दूध आज ले लिया मैंने, देखते हो। तो चलो अब चलते हैं घर। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ झटपट उपमा की रेसिपी मेरे अंदाज में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको जितने शॉर्ट टाइम में इसको आपको मैं दिखा सकूँ उतना दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उपमा बनाने की रेसिपी मेरे अंदाज में। तो यहाँ मैं देखिए प्याज को बारीक बारीक काट रही हूँ। एक बड़ा प्याज ले लिया है मैंने और उसको मैंने बारीक बारीक काट लिया। इसी तरीके से मैंने टोमेटो इसको भी बारीक बारीक अच्छे से काट लिया है, इस तरीके से हाथ से। आज मैंने चॉपर की मदद से ना काटते हुए हाथ से काटा है। और ये देखिए प्याज, टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक ये मैंने कट करके रख लिया है। सूजी का रॉ फ्लेवर चले जाए बस इतना सा, उसे 2 से 3 मिनट इसको ड्राई रोस्ट करना है इस तरीके से, ना कोई ऑयल ना कोई घी। और देखिए मस्टर्ड ऑयल के गर्म होते ही इसमें थोड़ा सा मैंने जीरा डाला है और फिर इसमें मैंने डाला है प्याज और अदरक। प्याज और अदरक के हल्के से भुनने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें टोमेटो और हरी मिर्च, और ये मैंने डाल दी है हल्दी। ये देखिए इसमें से मैंने हल्दी डाली है। और इस तरीके से थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के मैं ये मिक्स करूँगी। धनिया पाउडर डालने के साथ साथ मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल चुकी हूँ, जो मैं क्लिप नहीं ले पाई। और ये मैंने देखे पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर डाल दिया इसमें कलर के लिए। और अब मैं डाल रही हूँ गर्म पानी, और मैं इसमें मटर भी डाल चुकी हूँ थोड़े से। और देखिए मटर को भी थोड़ा सा मैंने इसे भुना है, वो भी मैं नहीं ले पाई। और ये मैं इस तरीके से मिक्स करूँगी। और इसमें इसका मेजरमेंट होता है, अगर एक कटोरी आपके पास सूजी है तो आपका 2 कटोरी पानी, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा अराउंड 2 से थोड़ा सा ज़्यादा पानी आप इसमें डालते हैं। और ये पहले आपको दिखेगा इस तरीके से पतला, और चलाते चलाते ये हो जाएगा इस तरीके से गाढ़ा, और दिखने में बहुत ही टेस्टी और इसकी रंगत भी बहुत अच्छी। और थोड़े से मटर और थोड़े सा गाजर का भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। और देख लिए बन गया है डिलीशियस उपमा। और अंजू मौसी का फ़ोन आया जा रहा है, तो ये देखिए अंजू मौसी बेबी लव। नमस्ते बच्चा, कैसे हो? ठीक हो? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस बेटा बैठे हुए, चाय पी रहे थे अच्छे से, चाय पी रहे। अरे वाह बेटा, कौन लाया ये? मेरे पापा लाए थे यूएसए। अच्छा यूएसए पापा लाए? पापा यूएसए आएंगे, हमारे लिए भी सामान मंगा देना भाई। टीकू भैया कैसे? हाँ टीकू भैया से बात कराती हूँ, ये देखो बात करो। हेलो लवित। श्रेष्ठ का निकनेम है टीकू, और वो अपने भाई लवित मौसी के बेटे के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहा है। बीच भाभी भी आ गई। भाभी मेरे गांव की भाभी है, मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद आई हैं। और बच्चे भी दोनों साथ में आए हैं, तो हम बहुत मस्ती करने लगे, बहुत सी बातें करने लगे। और भैया भी नीचे हैं, वो भी ऊपर आने वाले। अक्षय तौर में अमिताभ बच्चन की परफॉर्मेंस करने वाला हूँ। हाय गाइस, तेरे पास बड़ा अंग्रेजी
एक कलर ले रहे हैं, एक अमीर तीन कलर भी चाह रहे हैं, एक कलर ले रहे हैं। तो मैंने कितने साल से आगे क्या भाई, सब ठीक ठाक हैं बच्चे, सब ठीक हैं? हाँ भाई सब ठीक। यार हो कैसे आ रहे हो? अब तो देखो जीत सर के तट में मेरे सिवा कोई नहीं है। अब वो क्या कर रहे हैं, वोट के बस काम है कि जीत सर के बस काम है कि ऐसे लगी हूँ कि वोट पे हाँ एक कप विनियन दांत पे हंडिया की गिर गया था। ऐसा चाय भी नहीं पिलाती आपको, देखो बातों में पानी चली चाहिए। हाँ पानी की चाय है भी, चाय मैंने सोचा चाय थोड़ा सा खोला के अच्छी बनती है, वो इतनी खोल रही है उसकी। अच्छा बात हो गई, आपका वेट करते करते हो गया पैदा हो ना क्या मां बन रहा तुम आ गए हो अपना मम्मी ना फोन देता। हां तो सीधे से चुपचाप कैसे बैठे हो, वेरी गुड, शांति का राज है ना, शांति का राज फोन खरीद ना। हां उस ऊपर हमारा स्कूल था, उसके सड़क पर था स्कूल, अच्छा दस्त ऊपर चले आते। पहले हम लोग क्या होता था, हमारे यहाँ से तो हमारे तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे सब लेने आ जाते थे, हमारे सामान लेने कोई कोई लेने तो बिल्कुल खाली हो जाते थे। मतलब पहले से और वहाँ से चाचा जी भेज देते थे दुनिया भर के बच्चों को, आजकल भी और चढ़ाई है ना, अब नहीं मिलता, मैं भी नहीं मिल रहा तो ये ना बहुत पहले तो गांव में हमने काफी साल बचपन में ऐसे देखा है, सारे गांव के बच्चे आते थे पूरे ऐसे अच्छे से, कोई जब मैं अभी गई ना शादी में तो मेरे पास बड़ा सा सूटकेस था, मैं सोच रही थी कि शादी में मर्यादा का, मैं तो ये सोचने लगी नीचे आके भी ऊपर कैसे जाएगा, ये तो कैसा हो सकता है, टेंशन होगी, मैं तो सोना पड़ेगा क्या जवाब, इतना ज्यादा चीज हमारी बॉडी में बहुत इफेक्ट करता है। हां तो उससे मैं घर में बनाती हूं, उसका जो बेस है उसे रोटी ले लेते हैं, हमें पता हमारी रोटी बहुत हेल्दी है, रोटी का बेस बना दो उसमें सारे वेजिटेबल्स आपके हिसाब से जो आप अपने बच्चे को देना चाहते हो सारे के सारे वेजिटेबल्स उसमें डाल दो, और उसमें चीज ना डाल के सिर्फ ओरिगेनो डालते हैं। हाँ, अच्छा ओरिगेनो। हर्ब्स जो होते हैं क्या होते हैं, काफी सारे आते हैं अलग-अलग फ्लेवर के, जैसे रेड चिली आता है, ओरिगेनो आता है, इसमें तो चीज पिज्जा में तो ये सीजनिंग 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 तो ये मैंने खुद बनाई, जैसे कि लहसुन को सुखा के फिर उसको पीस के उसको पाउडर बनाया, गार्लिक ब्रेड में हम लोग गार्लिक पाउडर वो बनाया मैंने, और तुलसी के पत्ते की जो सीजनिंग होती है जो पिज्जा के पिज्जा में चाइनीज में पड़ती है, तो वो तो उसको तुलसी के पत्तों को सुखा के मैंने खुद बनाया घर में, ये हफ्ते उनको मिक्स करके रखा था बना के खुद ही, तो ऐसी बस काफी सारी स्पेशली मीठे डिशेस बहुत की मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा पसंद है, तो बाहर से होने के बाद मीठा खाती हूं, गलत बात है फ्रेंड्स, भैया भाभी आए हुए थे, टाइम तो पता ही नहीं चला, और सामने प्यारी सी बच्ची है हर्षी, उसका बर्थडे है, उसके मम्मी पापा ने बोला स्पेशली आपको जरूर आना है, तो श्रेष्ठ तैयार हो रहे हैं अपने रूम में, और मैं ये देखिए ये मैं तैयार हो गई क्विक सा जल्दी से आउटफिट ऐसे कुर्ती और जैकेट के साथ, और हम चलते हैं उसके बर्थडे में और मिलते हैं, हम हो चुके हैं रेडी, तो चलो अब चलते हैं हर्षी के बर्थडे में, चलेगा सो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि।